नमस्कार दोस्तों ईडीसी लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम एक स्पेशल डायोड डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं लाइट अमीटिंग डायोड तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका जो पॉपुलर नाम है वो है एलईडी, ई डी इज़ लाइट अमीटिंग डायोड तो बहुत फेमसली हम इसको एल बोलते हैं अब बात करते हैं इसके सिम्बल्स की आपने जहा भी एलईडीज देखी होंगी इसका मतलब उन एल में एक पॉइंट कॉमन है कि वहां पे डेफिनेटली एक लाइट है लाइट अमिटिंग डायोड यानी ऐसा डायोड जो लाइट को अमिट करा सके यानी लाइट अपने अंदर से निकाल सके तो पहले तो आप डायोड बना लो ये आपका भाई डायोड है अब इस डायोड से लाइट एमिट होगी यानी कुछ ऐसा ऐसा करके लाइट दिखा दो यही इसका क्या है लॉजिकल सिंबल्स है तो इस तरीके से आपको इसको रटने की जरूरत नहीं होगी अब नेक्स्ट जो पॉइंट है <coughs> वो ये है दोस्तों कि ये डायोड इज ऑलवेज वर्क अंडर फॉरवर्ड तो इसको हम हमेशा फॉरवर्ड में ही काम कराते हैं अगर दोस्तों एलईडीज को आपने रिवर्स बायस किया तो ये एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा जो एक कन्वेंशनल डायोड रिवर्स बायस में बिहेव करता है अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल सिंपल है कि जो लाइट अमिटिंग डायोड है वो इलेक्ट्रोलुमिनेंस प्रिंसिपल्स पे काम करता है इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी यानी आपका जो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी इस प्रिंसिपल पे ये डिपेंड करता है इस प्रिंसिपल पे ही काम करता है ठीक है तो अब पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां मिलेगी देखो भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी जो वोल्टेज हम इनपुट पे अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड बाइस्ड वोल्टेज जो होगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी लाइट एनर्जी यानी ये जो डायोड है इसके अंदर से लाइट निकलेगी तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो होता है इलेक्ट्रो लुमिनेंस प्रिंसिपल ठीक है अब इसके बाद देखते हैं लाइट अमिट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन एट दी जंक्शंस अब इसको मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि जंक्शंस के अराउंड ही ज्यादा लाइट क्यों एमिट होती है ठीक है और लाइट अमिट्स नियर जंक्शंस, या तो जंक्शंस के पास या बिल्कुल उसके या तो जंक्शंस में या जंक्शंस के पास वहां सबसे ज्यादा लाइट आपकी एमिट होती है ठीक है अब देखो ये आपका क्या है यहां मैं एक्सप्लेन करूंगा मान लीजिए ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका है कंडक्शन बैंड और इसके बीच में फोरबिडन एनर्जी गैप है ई एफ ठीक है तो वैलेंस बैंड में आपके होल्स होते हैं है ना और कंडक्शन बैंड में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी ई सी से रिप्रेजेंट की जाती है और वैलेंस बैंड के जो होल्स हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी ई वी से रिप्रेजेंट की जाती है हमें पता है कि जो होल्स के पास एनर्जी है उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास है अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चले गए तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अगर जाएंगे तो होल्स को फिल कर देंगे अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास थी वो एनर्जी या तो हीट के टर्म्स में रिफ्लेक्ट होगी या फिर उस एक्स्ट्रा एनर्जी से लाइट डेवलप होगी ठीक है तो इस बेसिस पे आपके दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं एक सेमीकंडक्टर होता है दोस्तों डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और दूसरा सेमीकंडक्टर होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और जो आपके एलईडीज़ हैं जो लाइट अमिटिंग डायोड हैं वो आपके दोस्तों डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं ठीक है और इसमें जो सबसे ज्यादा यूज़ुअल मटेरियल है वो होता है गैलियम आरसेनाइट अब देखो यहां पे ये कंडक्शन बैंड है ये band है। अब इस band theory को मैं पी एन जंक्शन थ्योरी से रिलेट करना चाहूंगा अब जो एन है इसमें क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बैंड थ्योरी में वो कंडक्शन बैंड में है एन में आपके नंबर ऑफ होल्स हैं। वैलेंस बैंड में आपके नंबर ऑफ होल्स होते हैं तो दोस्तों इसका मतलब जब मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी दूंगा फॉरवर्ड बाइसिंग दूंगा तो एन रीजन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे डिप्लेशन विड्स को क्रॉस करते हुए कहां जाएंगे पी रीजन में अब इसमें समझो यहां के जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ टाइम के बाद क्या करेंगे वो वैलेंस बैंड में चले जाएंगे अब जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जाएंगे तो नेचुरली ये ज्यादा एनर्जी के साथ थे यहां एनर्जी कम है तो एक्स्ट्रा एनर्जी ये रिलीज करेंगे वो एक्स्ट्रा एनर्जी अगर इन टर्म्स ऑफ हीट रिलीज होती है तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और अगर आपका मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड है जो कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लाइट ही रिलीज करते हैं इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएंगे तो होल्स आपके क्या हो जाएंगे जो होल्स uh, की जो टेंडेंसी है यानी इलेक्ट्रॉन्स वहां अपनी रिसाइड करेंगे और ये जो आपका जंक्शन है इस जंक्शन में या इस जंक्शन के पास ही आपकी लाइट एनर्जी रिलीज होगी यही आपका कॉन्सेप्ट है लाइट अमीटिंग डायोड। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलोमिनेंस क्या है और ये हमारा लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन एट दी जंक्शन। रिकॉम्बिनेशन होता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन आपका किसी एक होल्स के अंदर चला जाए और उस होल्स को खत्म कर दे उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन यानी रिकम्बाइन हो चुके हैं अब अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो अब आपके लाइट अमिटिंग डायोड्स हैं वो अब कैसे बनते हैं उसमें कुछ मटेरियल तो हम डायरेक्ट बैंड गैप सेमी का लेते हैं और कुछ मटेरियल हम इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमी का लेते हैं और डोपिंग्स को हम पूरी तरह कंट्रोल रखते हैं ऐसे आपके मॉडर्न टाइप ऑफ एल बनते हैं अब दोस्तों बात करते हैं करेक्टरस्टिक्स की करेक्टरस्टिक्स या वी आई करेक्टरस्टिक्स कह लीजिए ये आपका एलईडी है ये लाइट निकलती हुई हमने दिखा रखी है यहां आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने अप्लाई की है और ये आपका आर एस क्या है एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस है ताकि डायोड आपका सेफ रहे और ये फॉरवर्ड बाइस्ट हमने लगा रखा है गैलियम नाइड है तो 1.3 पॉइंट थ्री वोल्ट इसका नी वोल्टेज होगा या इसका कॉन्टेक्ट पोटेंशियल कह सकते हो किसी भी गैलियम आरसेनाइड डायोड का तो इसके बाद हमारा करंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो ये हमारी फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल ई डी डायोर्ड्स हैं इसके बाद एक कंक्लूजन है दोस्तों कि जो डायोड है उसकी एफिशिएंसी आपकी फॉरवर्ड करंट पे डिपेंड करती है अगर आपका फॉरवर्ड करंट ज़्यादा है तो एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा होगी एफिशिएंसी का मतलब कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी से आपको ऑप्टिकल एनर्जी मिल रही है यानी कितनी लाइट आपकी एमिट हो रही है और जो एफिशिएंसी है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो एफिशिएंसी आपकी डिग्रेड हो जाएगी कम हो जाएगी <coughs> अब दोस्तों इसके बाद अगर मान लीजिए आपने एलईडी डायोड जो है लाइट अमिटिंग डायोड इसको अगर आपने रिवर्स बाइस्ड किया तो फिर वहां पर लाइट नहीं निकलेगी लाइट अमिट नहीं होगी फिर ये एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा ठीक है तो ये ध्यान रखना है एलईडी डायोड से अगर आप लाइट निकालना चाहते हो तो डेफिनेटली उसको आपको फॉरवर्ड में लगाना होगा अब दोस्तों बात करते हैं टाइम टाइम की बहुत फास्ट होता है एलईडी आपने देखी हो आपके लैब्स में तो बहुत ही कम टाइम में विजिबल होंगी तो रेस्पॉन्स टाइम इसका बहुत फास्ट होता है अब फास्ट <coughs> होगा और ये किस में होगा ये माइक्रो सेकेंड में होगा यानी पलक झपकने से पहले ही आपको लाइट ग्लो करती नजर आएगी तो यहाँ पे अब पूछ सकता है कोई कि भाई माइक्रो सेकेंड्स में इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि रेस्पॉन्स आपका नेचुरली बहुत फास्ट होता है एल का अब दोस्तों एल की एप्लीकेशंस की बात करते हैं एप्लीकेशंस कहाँ हो सकती हैं देखो एल लाइट एमिट करते हैं ठीक है और अगर हमारा सिग्नल लाइट के फॉर्म्स में ट्रैवल करे तो डेफिनेटली क्या होगा एल को ट्रांसमीटर पर लगना होगा और रिसीवर्स पे हम क्या लगाएंगे फोटो डायोड्स ताकि वो उस लाइट को कैप्चर करें और दोबारा से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करें इसीलिए एलईडीज़ एल का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है रिमोट कंट्रोल ट्रांसमीटर्स यानी यहाँ आपके ट्रांसमीटर थे यहाँ आपके रिसीवर थे ट्रांसमीटर्स पे हमने एल लगाया जिससे हमारी लाइट निकली और ये लाइट फाइनली किसी रिसीवर के फोटो डायोड की हेल्प से कैप्चर होगी और सिग्नल का फ्लो चलेगा इस टाइप से तो ट्रांसमीटर्स पे आ, हम एल लगा देते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इन डिस्प्ले डिवाइसेस जो चीज़ हम देख सकते हैं जैसे आजकल हमारे क्या हैं एल ई काफ़ी डिमांड में हैं तो एल ई की जो स्क्रीन है वहाँ पर जो हमें स्क्रीन दिखती है वो बेसिकली आपका एल जो लाइट अमेटिंग डायोड है उसी से बनाई जाती है तीसरा इंपॉर्टेंट है ओप्टो कपलर्स ऑप्टो कपलर्स का मतलब ये है कि दो अलग अलग सिस्टम्स को हम विद हेल्प ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट कराते हैं मान लीजिए ये ट्रांसमीटर है और ये आपका रिसीवर है और अगर मैं इनको बोलूं कि कपलर की हेल्प से इनको कांटेक्ट uh, करो तो ट्रांसमीटर्स में हमारे एल होंगे और रिसीवर्स में हमारे फोटो डायोड्स होंगे और इन दोनों का जो कनेक्शन है वो ऑप्टो कपलर्स में होता है यानी ऑप्टो कपलर्स अगर होंगे तो डेफिनेटली वहां पे आपका एल जरूर होगा क्योंकि एल से लाइट निकलेगी और उस लाइट के उस लाइट के जरिए ही हमारे जो सिग्नल्स हैं वो ट्रेवल करेंगे सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी लाइट अमीटिंग डायोड्स दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एल डायोड्स के बेसिस पे किस टाइप के नोमेरिकल्स आते हैं वो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर दोस्तों आप मेरे पी नोट्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है उसे आप ज्वाइन कर लें थैंक यू सो मच